मेरे सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्ते। क्या हाल चाल आप सबके? मेरे बेटा, हम लोग यहाँ पे सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, इनकम टैक्स के अभी कर रहे हैं और बाद में हम लोग जीएसटी के अमेंडमेंट्स भी करेंगे। अभी तक आप मेरी इस सीरीज में 3 वीडियोस देख चुके हैं एंड दिस इज आर फोर्थ वीडियो इन द सीरीज ऑफ द अमेंडमेंट्स। मेरे बेटा, YouTube चैनल के ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इस प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोस एक एक करके सीरियल ऑर्डर में आपको मिल जाएंगे, सो दैट आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत ना पड़े। मेरे बेटा, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी। एंड जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सैलरी के चैप्टर में सिर्फ एक छोटा सा अमेंडमेंट है 50,000 का। साथ में मैंने ये कहा था कि मेरे ओपिनियन में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए था, एंड अगर अमेंडमेंट हुआ है तो दैट शोज वेरी पुअर प्लानिंग एंड पुअर विजन ऑफ आर गवर्नमेंट। एंड देन हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ मेजर मेजर चेंजेस हैं, और क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में मेजर चेंजेस हैं, तो माय बेट वुड बी दैट एग्जामिनर इस बार मई के अंदर या फॉर जून एग्जामिनेशन के अंदर, और लेट मी से समर ऑफ 2020 के अंदर जो एग्जाम्स होंगे, उन समर ऑफ 2020 के एग्जाम के अंदर हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात हमारी बन जाती है। नाउ कीपिंग इन माइंड दिस होल आइडिया, द हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर हैज द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस फॉर आर समर एग्जामिनेशन ऑफ 2020। और हाउस प्रॉपर्टी में क्या बदलाव हुआ? हाउस प्रॉपर्टी में एक नहीं, दो नहीं, तीन अलग अलग जगहों पे चेंजेस हैं। ये तीन अलग अलग जगहों पे चेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं? पहला चेंज जो इन्होंने किया है, दैट इज इन केस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। इनफैक्ट हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन में दो अलग अलग सेक्शंस में चेंजेस किए गए। ये दो अलग अलग सेक्शंस हमारे पास कौन से हैं? एक सेक्शन हमारे पास है सेक्शन 23 सबसेक्शन 4, और एक सेक्शन हमारे पास जो बाद में भी मैं आपको लिखवाऊंगा, दैट इज सेक्शन 23 सबसेक्शन 5। तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 हमें क्या बता रहा है? याद करो, हम लोग लास्ट क्लास लास्ट ईयर तक ये करते थे कि अगर किसी के पास दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, और वो सारी की सारी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मान लीजिए किसी के पास तीन प्रॉपर्टी हैं, तीन रेसिडेंशियल हाउस हैं और तीनों उसके सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते थे, किसी एक को मानते थे एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो बाकी दो बन जाते थे डीम्ड टू बी लेट आउट। अब वो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड कौन सा होगा, दो डीम्ड टू बी लेट आउट कौन से होंगे, दैट इज एट द ऑप्शन, एट द चॉइस ऑफ द एसएससी। सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 लास्ट ईयर हम लोग ये कर रहे थे। साथ साथ में आप याद करो, लास्ट ईयर हम लोग ये भी करते थे कि जो भी मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस सिचुएशन में हर मकान के लिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अलग अलग करेंगे हम लोग। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अलग अलग करके हम लोग मैक्सिमम लिमिट जो सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में अप्लाई करते थे, वो 2 लाख रुपीज की अप्लाई करते थे। कीपिंग इन माइंड सर्टन कंडीशंस दैट आर फुलफिल्ड, व्हाट आर दोज कंडीशंस? अप्रैल 99 के बाद है तो फिर 2 लाख की कंडीशन आती है, अप्रैल 99 से पहले है तो 30,000 की कंडीशन है। अप्रैल 99 के बाद अगर 2 लाख की कंडीशन है तो उसमें 5 ईयर्स वाला भी एक पॉइंट हुआ करता था। तो 2 लाख रुपए हर मकान का अलग अलग मैक्सिमम लिमिट थी। इस साल एक और बदलाव हुआ सेक्शन 24B में, कि जो 2 लाख की लिमिट होगी वो एग्रीगेट लिमिट होगी ऑफ ऑल रेसिडेंशियल हाउसेस, सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल हाउसेस। फॉर ऑल सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल हाउसेस द मैक्सिमम लिमिट विल बी 2 लाख्स, विच यूज टू बी सेपरेट लिमिट टिल द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 2 मेजर चेंजेस आर देयर इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एंड बिकॉज ऑफ दीज 2 मेजर चेंजेस एग्जाम में ये आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत बहुत ज्यादा हैं। आइए मेरे बेटा, इसका जरा हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट भी करेंगे, एक बार इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 23 सबसेक्शन 4, अगर हम लोग पिछले साल की बात करें तो पिछले साल ये कहा गया था
दैट एसएससी हैज एन ऑप्शन टू चूज एनी वन हाउस टू बी सेल्फ ऑक्युपाइड एंड हेंस इट्स एनुअल वैल्यू विल बी जीरो. इन केस ऑफ ऑल अदर हाउसेज द एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बी जीएवी. तो एनी वन हाउस का वैल्यू जीरो था. इस साल बदलाव कर दिया और सरकार ने कह दिया दैट एसएससी हैज एन ऑप्शन टू चूज एनी टू हाउसेस. तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे वन लिखा हुआ है और यहां पे टू लिखा हुआ है, तो आप यहां पे अमेंडमेंट को समझ पा रहे हैं. अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास दो या दो से ज्यादा मकान, इनफैक्ट दो से ज्यादा मकान सेल्फ ऑक्युपाइड है, तीन मकान है सेल्फ ऑक्युपाइड है, चार मकान है सेल्फ ऑक्युपाइड है, और सारे मकान जो है उसके सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो किसी भी दो मकानों को सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकता है. किन्हीं भी दो मकानों को वो सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकता है, तो दैट मीन्स दो के बाद जो मकान बचेंगे वो बन जाएंगे उसके डीम्ड टू बी लेट आउट. पहले ये लिमिट होती थी एक, अब इसको कर दिया दो, तो दो मकान सेल्फ ऑक्युपाइड. और मेरे बेटा याद रखेगा, ये जो दो मकान सेल्फ ऑक्युपाइड हैं, इन दोनों का एग्रीगेट अमाउंट इंटरेस्ट का 2,00,000 रुपए से ज्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा. ये एक मेजर अमेंडमेंट है हमारे एग्जाम के लिए, और यही चीज मैंने आपको लिख के दी है, ध्यान से पढ़ेगा. एसएससी हैज एन ऑप्शन टू चूज एनी टू हाउसेस टू बी सेल्फ ऑक्युपाइड एंड हेंस एनुअल वैल्यू शैल बी टेकन टू बी जीरो और निल. बट इन अदर हाउस प्रॉपर्टीज, इन केस ऑफ अदर हाउस प्रॉपर्टीज, द एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बी द जीएवी. एंड मेरे बेटा, व्हाई वी आर टेकिंग एक्सपेक्टेड रेंट एज जीएवी, देयर इज अ रीजन फॉर दैट. एक्चुअल रेंट तो अवेलेबल ही नहीं है, प्रॉपर्टी तो सेल्फ ऑक्युपाइड है. क्योंकि एक्चुअल रेंट अवेलेबल ही नहीं है, इस वजह से हम लोग यहां पर क्या लेंगे, इस वजह से हम लोग यहां पर लेंगे एज 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 एक्सपेक्टेड रेंट एज योर जीएवी. जो मैं आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड बात बता रहा था उसका भी मैंने कंसेप्ट आपको यहां पर दिया हुआ है. इंटरेस्ट रिलेटेड टू बोरोड कैपिटल सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, असेसमेंट ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021, अगेन कंपैरेटिव एनालिसिस आपके पास है. पिछले साल का कंसेप्ट क्या था, मैं पहले आपको वो बता देता हूं. पिछले साल का कंसेप्ट, वेयर द एसएससी हैज मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी एज सेल्फ ऑक्युपाइड, देन मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड ऑन द बोरोड कैपिटल शैल बी 30,000 और 2,00,000 एज ए केस में भी, डिपेंडिंग अपॉन लोन कब लिया है आपने. एंड द लिमिट ऑफ 2,00,000 रुपीज शैल अप्लाई फॉर ईच हाउस प्रॉपर्टी सेपरेटली. हम लोगों ने यही कंसेप्ट पिछली बार सीखा था कि हर मकान के लिए 2,00,000 की या 30,000 की लिमिट अप्लाई होगी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस. लेकिन अब इस बार क्या अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट ये है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का, व्हेन एसएससी हैज मोर देन टू हाउस प्रॉपर्टीज एज सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज, देन मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन द बोरोइंग कैपिटल शैल बी 30,000 2,00,000 रुपीज इन एग्रीगेट, इन एग्रीगेट सबका मिला के, एंड नॉट फॉर ईच हाउस प्रॉपर्टी सेपरेटली. तो दोनों के दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड मकानों का मिला के इट विल बी 2,00,000 रुपीज, नॉट मोर देन 2,00,000 रुपीज. और मेरे बेटा, मैंने इस बात को और अच्छे से सिखाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया है. ये इनफैक्ट वही एग्जाम्पल है जो मेरी बुक के अंदर भी गिवन है. पिछले साल भी हम लोग ये वाला क्वेश्चन क्या करते थे क्लास में, अब भी कर रहे हैं. बस पिछले साल क्या करते थे कि तीन मकान हैं, एक मकान सेल्फ ऑक्युपाइड तो बाकी दो मकान डीम टू बी लेट आउट. अब आपने क्या करने हैं, दो मकान आप मानेंगे एज सेल्फ ऑक्युपाइड और तीसरा मकान आपका बनेगा डीम्ड टू बी लेट आउट. तो मेरे बच्चे, आप क्या करेंगे, हाउस वन सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस टू सेल्फ ऑक्युपाइड, तो हाउस थ्री आपका बन जाएगा डीम टू बी लेट आउट. तो एक कॉम्बिनेशन आपका ये आएगा. दूसरा कॉम्बिनेशन, हाउस वन एज सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस टू एज डीम टू बी लेट आउट एंड हाउस थ्री एज सेल्फ ऑक्युपाइड, ऐसे कर लेना. तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, हाउस वन एज डीम टू बी लेट आउट, हाउस टू एज सेल्फ ऑक्युपाइड,
हाउ थ्री एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो मेरे बेटा, इससे हम लोग ये कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं कि जितने मकान होंगे आपको उतने कॉम्बिनेशन बनाने होंगे। दो मकान है तो दो कॉम्बिनेशन, तीन है तो तीन कॉम्बिनेशन, चार है तो चार कॉम्बिनेशन। जितने भी मकान हैं आप उतने कॉम्बिनेशन बनाइए और उतने कॉम्बिनेशन बना के आप अपना काम कीजिए। मेरे बच्चे, ये कैसे होगा उससे रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 11 है, ध्यान से देखिएगा। मिस्टर जे, दैट मीन्स मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मिस्टर जे हैज थ्री हाउसेज एंड ऑफ ऑफ विच आर ऑक्यूपाइड फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पसेस। सारे के सारे मकान उसके सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन बाय हिम फॉर द असेसमेंट 2021 प्रीवियस 1920 फ्रॉम विच कैलकुलेट द टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम। आपने उसकी टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करनी है इस डाटा को यूज करके। एग्जामिनर कह रहा है उसके पास तीन मकान है, सारे के सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो अब आप क्या करेंगे, आप तीन मकानों का डाटा आपके पास है तो इसका मतलब आपको तीन कॉम्बिनेशन बनाने होंगे। दिस इज वॉट आई हैव डन। माई कॉम्बिनेशन वन, दैट इज माई ऑप्शन वन, सेज कि पहला मकान मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड, दूसरा मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड और तीसरा मकान मेरा डीम टू बी लेट आउट। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड डीम टू बी लेट आउट। मेरे बच्चे ध्यान रखना, सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड डीम टू बी लेट आउट है तो जो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है उस मकान का जी ए वी जीरो। म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर पे कर भी देगा तो लेस करना अलाउ नहीं किया जाता, दैट मीन्स एन ए वी जीरो। जीरो का 30% विल ऑल्सो बी जीरो। एंड देन वी हैव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है। इंटरेस्ट का अमाउंट आपको गिवन कितने का है जनाब, इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है 1800 का इंटरेस्ट पेड, 1200 का इंटरेस्ट पेएबल। और आपको यहां पे याद आ गया होगा दैट इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है ऑन पेएबल बेसिस, ऑन एक्रूअल बेसिस। तो 1800 प्लस 1200 इज 3000, तो पूरे 3000 का आपको यहां पे डिडक्शन मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ, हमने पूरे 3000 का डिडक्शन क्लेम किया विच हैज रिजल्टेड इन द नेगेटिव इनकम, दैट इज लॉस, नो इश्यूज एट ऑल, लॉस सेटअप हो जाएगा। इसी प्रकार से हाउस टू जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है वहां पे भी इंटरेस्ट का अमाउंट आपने लेस किया एंड देन अगेन इट हैज रिजल्टेड इन अ लॉस, अगेन नो इश्यूज, लॉस सेटअप हो जाएगा। बट इन केस ऑफ हाउस थ्री द एक्सपेक्टेड रेंट विल बिकम जीएवी। नाउ फ्रॉम वेयर डिड वी गेट दिस 18,000, कैलकुलेट करके देख लीजिए। म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट का हायर लिया जाता है, दैट कम्स टू 36,000 रुपीज। ये हायर क्यों लेते हैं, इसके पीछे की पूरी स्टोरी, पूरा कंसेप्ट मैंने हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में आपको करवाया हुआ है। इस हायर को आपने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, वी विल टेक लोअर। अब ये लोअर क्यों लेते हैं, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है शीला कौशिक के नाम से, जो मैंने आपको क्लास में करवाया था। तो अब अगर आप देखें तो 36 और 25 का हायर इज 36, 36 एंड 18 का लोअर इज 18, सो माय एक्सपेक्टेड रेंट विल बिकम 18,000 रुपीस। तो 18,000 का एक्सपेक्टेड रेंट लिखा हम लोगों ने। आप म्युनिसिपल टैक्सेस सिर्फ वो पे लेस करेंगे जो आपके पे हो चुके हैं, लेस करने के बाद आपके पास एन ए वी आ जाएगा, उसका 30% कैलकुलेट करेंगे, 24A का अमाउंट आ जाएगा, 24B में इंटरेस्ट का अमाउंट लेस करेंगे। मेरे बेटा, इंटरेस्ट के अमाउंट में पेड और पेबल दोनों काउंट किए जाते हैं, आप उसको भी लेस करेंगे तो आपके पास टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगा। ये जो टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम है ये पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स इनकम आ रही है। इस इनकम में से आप ये बोले दोनों लॉसेस सेटअप कर देंगे और आपके पास नेट अमाउंट बचेगा 1710, विच इज अगेन वेरी वेरी सिंपल। अब आप ऑप्शन चेंज करेंगे, कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे, यू विल गो टू कॉम्बिनेशन नंबर टू। इन कॉम्बिनेशन नंबर टू योर फर्स्ट हाउस विल बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेकेंड विल नाउ बिकम ड्यू टू लेट आउट बिकॉज थर्ड विल अगेन बी सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगेन आप अपनी सारी कैलकुलेशंस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1210 का अमाउंट पॉजिटिव में। उसके बाद आप कॉम्बिनेशन नंबर थ्री पर जाएंगे। When you go to combination number 3, the first house should be taken as deemed to be let out.
एंड देन हाउस टू एंड हाउस थ्री विल बी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस. अगेन आप अपनी सारी कैलकुलेशंस करेंगे, यू विल हैव द नेगेटिव ऑफ 4660. मेरे बेटा इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा मेरे बच्चे. ऐसी सिचुएशन में ये जो भी इनकम आपके पास आ रही है ये रियल इनकम नहीं है, ये एक नोशनल इनकम है, एक इमेजिनरी इनकम है. क्योंकि ये रियल इनकम नहीं है, क्योंकि एक नोशनल या इमेजिनरी इनकम है, इस कारण से आई रिपीट, क्योंकि ये नोशनल इनकम है, रियल इनकम नहीं है, इस कारण से ये नोशनल इनकम जितनी कम हो उतना अच्छा, ताकि हमारे ऊपर टैक्स बर्डन कम रहे. अगर लॉस है तो लॉस जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, क्योंकि लॉस को हम दूसरी इनकम के साथ सेटअप करके अपनी टैक्स लायबिलिटी, अपना टैक्स बर्डन को कम करेंगे. सो टेक्निकली स्पीकिंग, द लीस्ट इनकम और हाईएस्ट लॉस जो भी आपके पास हो, आप हाईएस्ट लॉस या लीस्ट इनकम जो भी आपके पास हो वो चूज कीजिएगा हमेशा एज योर आंसर. जैसे इस एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, तो इस एग्जाम्पल के अंदर एक सिचुएशन थ्री के अंदर हमें लॉस आ रहा है और बाकी के दो सिचुएशन में हमें इनकम मिल रही है, क्योंकि ये नोशनल है, क्योंकि ये रियल नहीं है. इन दैट केस वी शुड एडवाइज द एसएससी दैट ही शुड चूज ऑप्शन थ्री एज द बेस्ट ऑप्शन. दैट मीन्स ही शुड चूज हाउस नंबर थ्री टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, और पहले के दो मकान उसके बन जाएंगे डीम टू बी, पहला मकान उसका डीम टू बी लेट आउट, टू एंड थ्री शुड बी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस. दिस वे ही कैन सेव हेल लॉट ऑफ हिज टैक्सेस. तो ये एक कंसेप्ट हमारे पास आया, और यही चीज मैंने आपको यहां पर लिख के भी दी हुई है, और ये कंसेप्ट हमारे पास आया विद लेटेस्ट अमेंडमेंट विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. मेरे बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट कि प्लीज कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो, अपने दोस्तों यारों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कीजिएगा. एक स्टैटिस्टिक्स, एक एनालिसिस ये बताता है कि लगभग 80% व्यूअर्स जो वीडियोस को देख रहे हैं वो वीडियोस को सब्सक्राइब, वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. समर 2020 एग्जामिनेशन तक मैं आपको बहुत सारे बेनिफिशियल वीडियोस यहाँ पे देता रहूँगा, जो आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे. मेरे बच्चे, देर इज वन मोर अमेंडमेंट इन दिस चैप्टर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. नाउ दिस अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 5, दैट इज द प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड बाय अ बिल्डर. अगर कोई बिल्डर है और बिल्डर ने अपनी कोई एक प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करी है, अगर कोई उसने फ्लैट्स बनाए हैं, कोई प्रॉपर्टी बनाई है विच इज अनसोल्ड, बना तो दिया लेकिन वो बिक नहीं रहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, बना तो दिया लेकिन वो बिक नहीं रहा, तो ऐसे सिचुएशन में हम उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड उस प्रॉपर्टी को भी अज्यूम करते हैं कि वो लेट आउट है. लेकिन ये जो अज्यूम करते हैं कि लेट आउट है, इस अजम्पशन को हम कब अजम्पशन ये अप्लाई करते हैं? सेक्शन 23 सबसेक्शन 5 कहता है कि जिस ईयर में प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई और प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद उससे रिलेटेड कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से एक साल तक हम लोग प्रॉपर्टी का जीएवी मानेंगे जीरो. जैसे उदाहरण के तौर पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला सितंबर 2018. मैं 18 बोल रहा हूं, जानबूझ के 18 बोल रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले साल का प्रोविजन बता रहा हूं. अगर हमें मिला सितंबर 2018 के अंदर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो दैट मीन्स हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला फाइनेंशियल ईयर 18-19 में. तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 खत्म होगा 31 मार्च 2019 को, उसके बाद एक साल और, दैट मीन्स 31 मार्च 2020 तक प्रॉपर्टी का जीएवी मानेंगे जीरो. कौन सी प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी जो किसी बिल्डर ने बनाई है बेचने के लिए लेकिन वो बिकी नहीं है और एज एन इन्वेंट्री वो होल्ड कर रहा है. ये कंसेप्ट था पिछले साल का. अब इसमें क्या बदलाव आ गया? इसमें बदलाव ये आ गया कि जो टाइम पीरियड पहले एक साल का हुआ करता था उसको बढ़ा के सरकार ने दो साल कर दिया है.
तो अब उदाहरण वही वाला ईयर चेंज करता हूं, मान लीजिए सितंबर 19 के अंदर, अब मैं सितंबर 19 बोल रहा हूं, 18 नहीं बोल रहा, सितंबर 2019 के अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हमारे दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दो है, डीडीए और एमसीडी। आगे चलता हूं मैं, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया सितंबर 19 में, फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 19-20 खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। 31 मार्च 2020 के बाद दो साल और हम उस प्रॉपर्टी का जीएवी मानेंगे जीरो, दैट मींस 21 एंड 22, 31 मार्च 22 तक जीएवी विल बी टेकन टू बी जीरो और उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट विल बिकम जीएवी ऑफ द प्रॉपर्टी। सो दिस इज द अनदर चेंज अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 5 दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। और यहाँ पे मैंने आपको ये सारी बातें हाईलाइट करके दी हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, सारी बात मैंने आपको समझा दी है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि जीएवी हम लोग लेंगे ज़ीरो। ये जीएवी ज़ीरो कब के लेंगे हम लोग, जीएवी ज़ीरो लेंगे, इट शैल बी एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड फॉर द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। तो जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला वो वाला साल, और उसके बाद अगले साल एक साल और तक हम लोग जीएवी लेते थे जीरो, ये था पिछले साल का प्रोविजन। इस साल का प्रोविजन क्या है, इस साल का प्रोविजन ये है दैट वैल्यू शैल बी टेकन टू बी जीरो एंड इट शैल बी एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड फॉर टू सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर्स। टू वर्ड लिख दिया, दो साल, पहले एक साल था अब दो साल है। अगेन एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो कि मे बी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज के अंदर एग्जामिनर कवर अप कर ले। मेरे बेटा इस प्रकार के जो अमेंडमेंट्स हैं इनकी मैं सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स यहां पे आपको करवा रहा हूं एंड आई प्रॉमिस यू मैं सब कुछ कवर करूंगा, जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सब कुछ कवर होंगे, इनकम टैक्स के भी और जीएसटी के भी। प्लीज कीप ऑन फॉलोइंग दिस सीरीज, मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना के डाल दी है, आप अपने वो प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा एंड यू विल गेट ऑल अमेंडमेंट्स ओवर देयर। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, बाय बाय।